गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, चैप्टर फोर लिखा है मैंने। चैप्टर सेकेंड का हमारा क्वेश्चन ए आज मैं आपको करवाऊंगी। कंप्लीट द सेंटेंस टिकिंग द बेस्ट ऑफ द थ्री चॉइस। आपको थ्री चॉइस दी हुई है, उनमें से जो बेस्ट आंसर है, आप सारे आंसर ठीक है लेकिन आपको जो बेस्ट लग रहा है ना आपको उसको टिक करना है। क्वेश्चन ए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय टिकिंग द बेस्ट ऑफ द थ्री चॉइस। आपको चॉइस दी हुई है थ्री, उनमें से जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है आपको उसको टिक करना है। ये जो वर्क है आपको नीट एंड क्लीन नोटबुक में करना है। थ्री ऑप्शन आपको राइट नहीं करने हैं, जो वन ऑप्शन है थ्री में से जो वन जो राइट है वही आपको नोटबुक में करना है। आपको क्लास में करवाया हुआ है वर्क, आपको पता है टिक द राइट हम लोग कैसे आपको क्लास में करवाते हैं। तीनों आप क्लास बुक में अच्छे से रीड करवा के टिक करवा देते हैं, जो राइट होता है वही आपको नोटबुक में राइट करना पड़ता है। तो मैं आपको क्वेश्चन ए स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको ए स्टार्ट करवा रही हूँ, बुक ओपन करो पेज नंबर 16 का क्वेश्चन। पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन है, ओपन करो अपनी बुक, ओपन करो। मैं टिक करवा रही हूँ, रीड करवा रही हूँ, मेरे साथ रीड भी करना है टिक भी करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन ए करवाऊंगी। चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन मैं ए आपको करवा रही हूँ, आपको उसको नोटबुक में फिल करना है। पहले तो मैं आपको टिक करवा रही हूँ, जो भी राइट आंसर है आपको टिक करना है, उसके बाद आपको इसके जो ये वर्क है वो नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट डाउन करना है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय टिकिंग द बेस्ट ऑफ द थ्री चॉइस। आपको थ्री चॉइस दिए हुए, ये तीनों सही है बट आपको जो बेस्ट लग रहा है, जो सबसे अच्छा लग रहा है आपको उसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पीपल ऑफ द स्मॉल टाउन लव्ड द मर्चेंट बिकॉज ही वाज। जो स्मॉल टाउन के जो लोग थे वो मर्चेंट को लव क्यों करते थे, बिकॉज को की वो क्या था, हार्ड वर्किंग एंड क्लेवर, वो परिश्रमी चालक था, हॉनेस्ट एंड काइंड, दयालु और ईमानदार था, हिज बिजनेस डिड वेल, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। ये तीनों ऑप्शन सही है बट आपको बेस्ट जो है उसको टिक करना है। तो इसमें बेस्ट क्या होगा, हॉनेस्ट एंड काइंड, वो क्या था, हॉनेस्ट एंड काइंड, बी पे टिक करना है। सेकेंड है, द मर्चेंट हैड टू गो आउट ऑफ टाउन। जो मर्चेंट था वो टाउन से बाहर गया, टाउन मीन्स होता है कस्बे से बाहर गया, वो क्यों बाहर गया था, ऑन बिजनेस, बिजनेस पर, टू मीट समवन, किसी से मिलने, फॉर ए वेडिंग, एक शादी समारोह के लिए। जो मर्चेंट था वो बाहर टाउन से बाहर क्यों गया था, फॉर ए वेडिंग, एक वेडिंग के लिए, वेडिंग मतलब होती है शादी, तो शादी अटेंड करने के लिए वो गया था। नंबर थर्ड है, द मर्चेंट लेफ्ट हिज मनी एंड ज्वेलरी विथ ए फ्रेंड। मर्चेंट ने अपनी मनी, पैसा और ज्वेलरी, आभूषण, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, विथ ए फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ या फ्रेंड के पास उसने छोड़ा था। बिकॉज, क्योंकि उसने अपनी मनी और ज्वेलरी को अपने फ्रेंड के पास क्यों छोड़ा था, देयर वर नो बैंक लॉकर, क्योंकि उस समय कोई बैंक लॉकर नहीं था, ही ट्रस्टेड हिज फ्रेंड, उसको अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट था, विश्वास था, भरोसा था, ही डिडंट नो व्हाट एल्स टू डू, उसके बाद उसके पास मतलब और कोई, ही डिड नॉट नो व्हाट एल्स टू डू, उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, या वो मतलब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इससे इजी, इससे आसान उसके पास कुछ नहीं था। तो ये क्या होगा, ही डिडंट नो व्हाट एल्स टू डू, ठीक है। द मर्चेंट वाजंट, ये वाज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, वाजंट एंग्री टू हेयर दैट रैट्स हैड ईटन हिज मनी एंड ज्वेलरी। जो मर्चेंट था उस, जब उसके फ्रेंड ने उसको ये कहा कि है ना तुम्हारी मनी और ज्वेलरी को तुम्हारा जो रैट है वो खा गए, तो वो एंग्री क्यों नहीं हुआ, द मर्चेंट वाजंट एंग्री, तो मर्चेंट था वो गुस्सा नहीं हुआ, टू हियर सुनकर, डैट की रैट हैड ईटन हिज मनी एंड ज्वेलरी, कि जो रैट है उसकी मनी और ज्वेलरी खा गया। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू ही दिस कुडंट हैव हैपन, वो जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता। ही वांटेड टू टीच हिज फ्रेंड अ लेसन, वो अपने फ्रेंड को एक लेसन सिखाना चाहता था। ही डिडंट वांट टू क्रल विथ हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता था। तो क्यों था ऐसा, उसने ऐसा क्यों किया, मतलब जब अपन को अगर कोई ऐसा कहे कि तुम्हारा तो जो सामान था वो रैट, हमें तो गुस्सा आएगा ना, अगर कोई हमारे साथ हमें चीट करेगा तो हमें गुस्सा आएगा, लेकिन उसके फ्रेंड को गुस्सा नहीं आया, मर्चेंट को क्यों नहीं आया। ही वांटेड टू टीच हिज फ्रेंड ए लेसन, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को एक लेसन सिखाना चाहता था कि भविष्य में, इन फ्यूचर में, वो कभी भी इस तरह किसी को भी चीट ना करें। नंबर फाइव, द मर्चेंट सैड डेट द क्रोस हैज टेकन अवे,
हिज फ्रेंड सन। मर्चेंट ने ये क्यों, मर्चेंट ने कहा कि उसके मतलब जो फ्रेंड का सन है उसको जो क्रो है वो उठा के ले गया। बिकॉज मर्चेंट ने अपने, जब मर्चेंट का फ्रेंड उसके घर अपने बेटे को ढूंढने आता है तो मर्चेंट ने कहा कि तुम्हारा जो बेटा है उसको क्या ले, कौन ले गए, क्रो ले गए। तो मर्चेंट ने ऐसा क्यों कहा, ही वॉन्टेड टू हियर वॉट हिज फ्रेंड वुड से, वो चाहता था कि उसका फ्रेंड क्या कहेगा। ही वॉन्टेड टू से समथिंग एज सिली एज हिज फ्रेंड हैड सेड टू हिम, वो चाहता था कि उसका जो फ्रेंड है जो, मतलब ही वॉन्टेड टू से, वो ये कहना चाहता था समवन एल्स इज सिली एज हिज फ्रेंड हैड सेड टू, जैसा उसके फ्रेंड ने उसको मूर्ख बनाया वैसा ही वो अपने फ्रेंड को मूर्ख बनाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू फ्राइटेंड एज हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को डराना चाहता था। उसने ये क्यों कहा कि ना जो तुम्हारा जो बेटा है उसको क्रो उठा के ले गए। ही वॉन्टेड टू हियर वॉट हिज फ्रेंड वुड से, वो चाहता था कि उसका फ्रेंड अब क्या कहेगा। जब रैट ने उसकी मनी और ज्वेलरी खा ली मर्चेंट, तो मर्चेंट ने खुद कुछ नहीं कहा। अब मर्चेंट ने कहा कि तुम्हारे बेटे को क्रो उठा के ले गए, तो अब वो क्या कहना चाहता था, जो फ्रेंड था मर्चेंट का वो क्या कहना चाहता था, वो ये सुनना चाहता था। जब रैट मनी और ज्वेलरी खा सकते, ये पॉसिबल है, तो क्रो भी तो उसके बेटे को उठा के ले जा सकते हैं ना। द मर्चेंट फ्रेंड लर्न डैट, सॉरी, द मर्चेंट फ्रेंड लर्न डैट, जो मर्चेंट का फ्रेंड था, मर्चेंट फ्रेंड मतलब मर्चेंट का मित्र, लर्न सीखा डैट, मर्चेंट के फ्रेंड ने क्या सीखा, ही शुड नॉट लाई एंड चीट, उसको धोखा और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ही शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, उसको बेईमान नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट एवर बी डिसऑनेस्ट विथ एनीवन, उसको कभी भी किसी के साथ भी बेईमान नहीं होना चाहिए। तो उसको झूठ, ये तीन ऑप्शन सही है, बट हमें क्या करना है जो बेस्ट है। तो ही शुड नॉट एवर, उसको कभी नहीं होना चाहिए बी डिसऑनेस्ट, बेईमान विथ एनीवन, उसको ऐसा नहीं कि अपने फ्रेंड के साथ ही डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी के भी साथ हमें डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। डिसऑनेस्ट मैंने बताया बेईमान नहीं होना चाहिए, हॉनेस्ट का अपोजिट है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको वर्क करवाया है, टिक करवाया है, जो क्वेश्चन आंसर, सॉरी टिक द राइट, आपको वो नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है, और ये जो है जो बेस्ट आंसर है वो ही करना है। तीनों ऑप्शन आपको राइट डाउन नहीं करने, जो राइट ऑप्शन है वही आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, और जो राइट ऑप्शन है वो ही राइट डाउन होना चाहिए। बाकी का जो क्वेश्चन नंबर बी है, गिव एटलीस्ट वंस रीज़न फॉर फॉलोइंग, आपको इनके रीज़न बताने हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू बेटा।